डियर स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी का क्लास 7 का मैथ है, चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3। तो इसका मैं दो क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो 3 नंबर और 4 नंबर मैं आपको बनाकर दे देता हूँ। एक्चुअली मैं वीडियो पहले ही शूट कर चुका था, इसलिए मैं इसका आंसर लिख चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसमें से एक वीडियो जो है वो बाई मिस्टेक मुझसे डिलीट हो गया। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर शुरुआत में आप लोगों को बता दे रहा हूँ। 3 नंबर का 1 जो है, इसमें दिया हुआ फॉर एनी इंटीजर ए, व्हाट इज -1 × a = 2। अगर किसी भी नंबर को, इंटीजर मतलब होता है माइनस या प्लस, कोई भी नंबर होता है, दोनों होता है, तो उसको -1 से हम a को इक्वल करते हैं, एक कोई भी पॉजिटिव नंबर लेते हैं और -1 से इसको इंटू करते हैं, तो उसका आंसर जो है -a ही आएगा। आप इसको बेहतर ढंग से समझ लें, कोई भी नंबर लेते हैं, सपोज यहाँ पर ये 3 का 1, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे -1 है, इंटू अब कुछ भी ले लीजिए 5, तो क्या आएगा -5, या फिर -1 है इंटू 7 ले लेते हैं, तो क्या आएगा -7। इस तरह से जो भी नंबर मेरे पास रहेगा ए की जगह पे, जो भी नंबर रहेगा वो माइनस में आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो है -a दिया गया है। ए की जगह पे अभी कोई नंबर पता नहीं है, तो ए की जगह पे सिंबल में ए दिखाया गया है, -a ही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज, अगर इन सब नंबर में -1 को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या नंबर आएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसका वीडियो जो है मैं आपको वहाँ पे ले चलता हूँ जब मैंने इसको बनाया था, तो वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें आपको 3 नंबर और 4 नंबर दोनों का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं, यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पर इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई दे देते हैं और -1 लगा देते हैं, तो क्या होगा, ये 2 माइनस हो गया, तो 2 माइनस होने पर क्या होता है, प्लस हो जाता है, और 22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 ही रहेगा, तो इसका मतलब है कि प्लस में आ जाएगा 22, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करते हैं -1 के साथ, तो 1 माइनस रहने पर आंसर क्या आता है, माइनस आता है, और 1 को किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर वही रहता है, तो -37 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं -1 से, तो क्या हो जाएगा, 0 से कोई भी नंबर हो, माइनस हो या प्लस, उसका आंसर 0 ही आता है, इसीलिए आँख मूंद के यहाँ पे 0 लिखना। ये हो गया कंप्लीट, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर में यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम, यहाँ से स्टार्ट करने के लिए बोल रहा है, राइट वेरियस प्रोडक्ट्स शोविंग सम पैटर्न टू शो -1 × -1 = 1। यहाँ से लेके यहाँ तक एक पैटर्न के रूप में लिखने के लिए कह रहा है, तो यहाँ बदलाव क्या आएगा, यहाँ पे +5 है तो 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1 आएगा, तो इस तरह से लेके चलना है। मैं आपको बता देता हूँ बनाकर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लेते हैं, और सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, -1 × 5 = -5 हो गया, उसके बाद फिर -1 रहेगा × 4, तो कितना हो गया, -4 हो गया, फिर -1 × 3, तो -3 हो गया। नेक्स्ट स्टेप यहाँ ले लेते हैं, -1 × 3 के बाद 2 लेते हैं, कितना हो गया, -2, और फिर -1 × 1 हो जाएगा, तो कितना हो गया, -1, अब -1 × 0 होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 आएगा, क्योंकि -0 होता नहीं है, और लास्ट में जहाँ पहुँचना था -1 × -1 = क्या हो जाएगा, 1, तो यहाँ तक पहुँचना था। तो इस तरह से हम पैटर्न इसका दिखा सकते हैं।